हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू दी आवर चैनल। एंड गाइस, आज माता रानी का चौथा दिन है और आज ब्रह्मचारिणी माता का पूजा है। और आज गाइस मैं फूल तोड़ के पहले से लेके चले आया था, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं अभी आपको फूल दिखाता हूँ मैंने कितना सारा फूल तोड़ा है। आज बहुत ही कम मिला फूल मुझे, तो इसके लिए मैं बहुत ही नर्वस हूँ, क्योंकि मुझे अधिकतर दिन मुझे 6-7 फूल मिलते थे और आज मुझे उससे भी आधा फूल मिला है। तो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ, तो आइए दिखाता हूँ गाइस। ये देखो माता रानी का फूल, आज मुझे बहुत ही कम मिला, ये देखो आप लोग। और इधर ही माता रानी का मैंने फूल कॉर्नर में रख दिया है। और ये मेरी प्यारी सी माता रानी, आप लोग देखो। और गाइस मैं आपको आगे का सीन दिखाता रहूँगा। रेडी हो चुका हूँ और अभी जा रही दीदी माता रानी का जो प्रसाद है वो दीदी कर रही है। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दीदी कैसे मालपुआ बनाएगी अभी। चलिए और दीदी भी साथ में चलेगी। दोस्तों मौसम बहुत सुहाना है और गाइस अभी हम लोगों ने देखा कि बारिश स्टार्ट हो चुका था, तो छत पे जाके जो भी सामान उस पर था वहाँ से हम लोग लाए। और गाइस उसके बाद माँ जो मालपुए बनाने लगी इधर, उसके बाद माँ से मैंने आपको मिलाया भी। और अभी मैं आपको मौसम दिखाता हूँ बाहर का, तो कैसा है मौसम ये देखिए। मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। अभी बारिश होने के बाद जो मौसम का जो माहौल बनता है ना, वो को मिलता है गाइस। बारिश का माहौल जो है बहुत ही प्यारा सा माहौल बना हुआ है। और ये देखिए आसमान में नीला नीला बादल छाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप लोगों को मैं आज की ब्लॉग में बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। हम लोग खेलने जाएंगे तो भी मैं आपको दिखाऊँगा, तो बने रहिए वीडियो में और चलते हैं तक नेक्स्ट पार्ट। आप लोग को नवरात्रि का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज जो है कि चौथे दिन माँ कुष्मांडा का मैं पूजा करने जा रही हूँ। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए और मेरे बच्चे को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग जो है कि आप देखते जाइए। गौर रूपा महावला अग्निज्वला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु मया जलोधरी शिव दूति कराली अनंता अनंता विनाश रहिता पर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन देवी सूर्य सूर्य ध्यान करके जो परम भक्ति के साथ पूजन करे, फिर अष्टोत्तर का नाम का पाठ आरंभ करे, देवी ऐसा जो नहीं करता उसके सब श्रेष्ठ देवताओं के लिए भी सिद्धि हो जाती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लांछा कुमकुम सिंदूर कपूर की अथवा दूध चीनी को वस्तु एकत्र करके इसे विधि पूर्वक यंत्र पहने कल मंजीर रंजनी मधुर ध्वनि करने वाली मंजीर को धारण करके प्रसन्न करने वाली अमय विक्रमा असीम पराक्रम बलि कुरा दैत्यों को प्रति कठोर सुंदरी सुर सुंदरी बन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजता। गाइस अभी माता रानी का आरती हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वो पूजा खत्म हो चुका है, अभी आरती हुआ। चलिए हम सब मिलकर आरती करते हैं। जननी जय जय तू ही सत्चित सुख मैं सुदेव रामारू पाए मैया सुदेव रामारू पा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर माया हे मैया उमा प्रकृति विद्या तू मूल प्रकृति विद्या तू जननी जय मां जग जननी जय जय राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा हे मैया ब्रज रानी राधा बंचाल कल प्रदुम तू बंचाल कल प्रदुम हारिनी सब बाधा
गाइस मैं फाइनली वहां से खेल के आ चुका हूं और अभी मम्मा आरती करेगी तो मैं आपको भी आरती का सीन दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे माता रानी के मंदिर, वहां पे आपको दर्शन कराऊंगा और वहां पे कुछ जो भी सीन होगा वहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलो मम्मा आरती करती हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। रात के सारे 11 बज चुके हैं एडिटिंग करते करते और मम्मी और भैया सो गए हैं तो ये दीदी जस्ट उठी है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को एंड करते हैं दोनों साथ में। सो गाइस आज की इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।